हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सब्जी तोड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो सुबह के लिए सब्जी चाहिए। और मार्केट से जो सब्जी लाए थे वो ख़राब तो नहीं हुआ है, ख़त्म हो चुका है। इसलिए जो है ना, अभी ये सब्जी लगाए हैं तो ये सेम का सब्जी है, सेमी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये पूरा पेड़ के ऊपर में चढ़ गया है, जिस कारण से इसको तोड़ने नहीं बन रहा है। तो सब्जी और इसके पत्ते का दोनों का मुझे काम है। सब्जी के लिए इसका फल को तोड़ेंगे और जो काम है उसके लिए पत्ते को तोड़ रहा हूँ। और ये फल को बहुत तोड़ भी लिया हूँ, तो अभी पत्ते को ही केवल तोड़ूँगा। इसको थोड़ा सा घींच दिया ना, बहुत ऊपर में था, जो यहाँ पे एक बेर का पेड़ है बहुत बड़ा, उसमें चढ़ गया था, जिसलिए जो है ना तोड़ने नहीं बन रहा था, तो उसको घींच दिए तो ये नीचे गिर गया। लेकिन नुकसान थोड़ा बहुत हुआ, क्योंकि ऊपर में बहुत अच्छा फल रहा था, तो शायद कुछ प्रॉब्लम भी हो गया होगा उसके जो है नार में। तो पीछे साइड से आपको दिखाता हूँ, ये बाथरूम के साइड है, वो देखो ऊपर में पूरा जो है ना एक तो पेड़ है, वो पेड़ के ऊपर में वो चढ़ गया है और वहीं पे सबसे ज़्यादा फला है। पता है जितना ऊपर में है वहीं पे सबसे ज़्यादा जो है ना ये फला है। नीचे साइड कम फला है, लेकिन ऊपर में बहुत ज़्यादा फला है, जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं सकते आसानी से। तो सो फ्रेंड, ये जो है ना ये पानी की पता नहीं क्यों, लेकिन शुरुआत में तो पूरा पत्ता झड़ गया था इसका। मतलब हम तो नहीं सोचे थे कि इसमें फल लगेगा, इस तरह से जो है ना ये हो गया था। लेकिन अभी ये हो गया है, फल लग गया है, मतलब कि लगे हैं उतना तो निकल ही जाएगा, सब्जी खाने के लिए तो हो ही जाएगा इसमें। सो फ्रेंड, तो अभी सब कुछ तोड़ के मैं घर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं सब्जी को फ्रेश कर रहा हूँ, मतलब कि छांट रहा हूँ अच्छा और बुरा को, मतलब कि कचरा को बाहर निकाल रहा हूँ। धोने के लिए यहाँ पे डाल दिए हैं पानी में, और ये कुछ बच गया है इसको भी अभी तोड़ देंगे। और ये सब्जी इस तरह से जो है ना, ये फल है पूरी तरह से, ये जो है ना इसमें नहीं पोटा पाया है, अभी ये कच्चा ही है। फिर भी से इसको हम तोड़ दिए, क्योंकि ये सब्जी का कमी है इसलिए। और ये पूरा कचरा को इस तरह से बाहर निकाल दिए हैं, और पूरा ये सब्जी बनाने के लिए अभी पूरा रेडी कर चुके हैं। ये प्याज जो है छोटा छोटा, इसको अभी हम डालने वाले हैं, इस प्याज का वो करने वाले हैं अभी प्याज को भी। और यहाँ पे धुल रहा है ये सब्जी, इसको छोटा छोटा इस तरह से काट दिए हैं ताकि जल्दी पक जाए और जल्दी से हम लोग खा लें। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और चूल्हा में के ऊपर में, और ये तड़का लगा चुके हैं। इस तरह से हम सिंपल खाना बनाते हैं, बस ऐसे ही गांव में तो हमेशा ऐसे ही खाना बनता है। और ये पीछे साइड देख रहे हैं, ये हमारा जुगाड़ क्या बोलते हैं, घर बाहर तो बारिश हो रहा है इसलिए यहाँ पे रख दिए हैं ये लीवी सूपा को बांधने वाला और बंधना ये सब है, क्योंकि ये कच्चा नहीं बनता है काम करने बांधने के लिए, तो इसको सुखाना पड़ता है। धूप तो है नहीं बाहर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पूरा बादल छाया हुआ है, बारिश का मौसम बना हुआ है, तो उस बांस को वही यहीं पे सुखा दिए हैं ताकि आग में अभी थोड़ा सूख जाए और काम में आ जाए इसीलिए। तो ये अभी शाम का समय हो चुका है और ये मार्केट गए थे अभी शाम को, तो ये सब्जी सब लाए हैं अभी के लिए, और ये खाना बन रहा है। यहाँ पे अभी चढ़ा दिए हैं ये गोभी का लाए हैं, बत्ता गोभी, और ये आलू ले आए हैं, नया आलू है, छोटा छोटा है, तो ये तो एक दिन के लिए तो ये सब्जी हो ही जाएगा। बहुत छोटा छोटा आलू है और ऐसा ही बहुत अच्छा होता है आलू, अगर इसको आप भुंजिया सब बना देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो और हमने ये करेला लाए हैं लगाने के लिए, खेती करने के लिए करेला 3 पैकेट अभी लेकर आए हैं ये, और इसको गुछाना पड़ेगा, मतलब कि वो करना पड़ेगा। तो हम लोग का खाना भी पक ही रहा है, इसके बाद में हम सब्जी बनाएंगे। तो फ्रेंड, अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
करना बिल्कुल भी ना भूलें, धन्यवाद। टमाटर को यहाँ रख दिया है क्योंकि घर में लगाया है तो अभी टमाटर बहुत है, और क्योंकि मार्केट में तो टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा है, 30-40 रुपये है यहाँ पे। अभी तक काम कर रहे हैं हम, अभी 5 बजकर पूरा रात हो चुका है। अभी दिखाता हूँ मैं पीछे बाहर निकल के, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड बाहर आप पूरी नज़ारा देख सकते हैं, पूरा रात हो चुका है, ये पूरा देख सकते हैं पूरा रात हो चुका है। यहाँ पे पूरा बर्तन सब धोते हैं तो यहीं पड़ा रहता है सब, और ये देख सकते हैं पूरा इस तरह से रात हो चुका है। तो फ्रेंड अब देख सकते हैं पीछे साइड जो है पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और ठंड तो बहुत ज़्यादा लग ही रहा है, और पूरा इस तरफ देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका है। और अभी खाना बना रहा हूँ मैं, और खाना को अंदर मैं वो डाल दिया हूँ, रख दिया हूँ चूल्हा में। तो अभी सब्जी करने के लिए लकड़ी सब ढूंढने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते।